गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। कोई तो आंखें मलता मलता उठ रहा है और कोई काम पे चल भी दिया। हमारी सुबह अब हो रही है जब ये जा रहे हैं, और जाते जाते बस कह रहे हैं कि मैं जा रही हूँ। भाई कब तक आओगे? पक्का? चलो ठीक है, आज तो मौसम ठीक है। हाँ तन्नू भी सो रही है और मैं भी, मतलब उठ तो गई थी पर मेस मार रही थी। बस वापस से पसरने जा रही हूँ, मैं भी लेटने जा रही हूँ। आज ना ये बार बार मुंह धो धो के पोंछ पोंछ के ना ये स्किन सारी ऐसे हो गई है, हार्ड हार्ड सी। और देखो आंखें भी नहीं खुल रही मेरी तो। रात को हम लोग सोने लगे, खाना वाना खा के हटे, एकदम से फिर से आंधी तूफान आ गया। एकदम से इतनी तेज़ आंधी, कुछ कहने की हद नहीं। बट ये था कि कल लाइट नहीं गई, परसों जब आंधी आई थी तो एकदम से लाइट चली गई थी और हम लोग एकदम घबरा, मैं तो स्पेशली घबरा गई। इन लोगों को तो आदत है ये सब देखने की, मैं तो बहुत डर गई थी। तो अब बस उठे हैं, मैं भी ब्रश वगैरह करती हूँ। चाय तो उन्होंने पिला दी थी, उठा के एकदम चाय ही पिलाई है। उठो उठो उठो, चाय पी लो, बस उसके बाद वो चले गए। तो ये उठेगी मैडम तो देखती हूँ क्या खाना है, फिर नाश्ता वाश्ता बनाते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर तनु ओके होगी तो नाश्ता बना के हम एक बार बुटीक पे जाएंगे, सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि वो खाली पेट गई हैं, सिर्फ चाय पी के गई हैं। चाय के साथ बिस्किट भी एक आधा ही खाया है। तो फिर हम लोग नाश्ता बना के बुटीक पे ले जाएंगे और फिर वापसी उनके साथ आ जाएंगे। बच्चों का दिन भर में एक आधा फ़ोन आ जाता है कि मम्मी कब आओगे। मैंने कहा भाई हूँ तो रुको, रुकने तो दो, वहाँ तो चिड़चिड़ करते रहते हो, क्यों बोलते हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अब मजे लो जब मैं नहीं हूँ तो। चलिए मैं अभी थोड़ी देर लेटती हूँ, मैडम लेटी हुई है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हेलो जी, देखो इस लड़की की गुड मॉर्निंग होके राजी नहीं है। 10 बज गए हैं उठाते उठाते मुझे, और ये लड़की उठ के राजी नहीं हो रही। मैंने 10 बार पूछ लिया क्या खाना है बता, मैं प्रिपेयर करना शुरू करती हूँ, तू तब तक सफाई कर ले, और ये हिलती नहीं है बिल्कुल भी। मम्मी के जाते ही शहनशाह हो गई ये शहनशाह। बस दो ऑप्शन हैं जो मैंने इसको दिए हैं, अब ये पहले डिसाइड कर ले कि इसको क्या खाना है। तो हम एक बार नाश्ता बनाते हैं और उसके बाद फिर दोपहर की प्रिपरेशन करते हैं। थोड़ी सी कढ़ी रखी है वो तो मैं खाऊंगी, या फिर किसने नहीं खाई थी, सोनू ने ना, सोनू जी आएंगे वो खा लेंगी। तो हम लोग आज दिन का सोचते हैं फिर क्या बनाना। वैसे मम्मी करेले कह रही थी, मम्मी को उस दिन करेले बहुत पसंद आए थे, कह रही थी मैं करेले लेके आऊँगी, पर 2 बजे करेले लाएंगे तो बनेंगे कब। चलो इसको मैं तैयार करती हूँ, धक्का मार मार के तैयार करना पड़ेगा, ये लड़की हिलेगी नहीं, नहीं तो हंस रही है। चलिए कुछ काम वाम कर लें, क्योंकि उठने के बाद ना बार बार लेट के मेस मारना अच्छा नहीं लगता। काम वाम ख़त्म करके नहा धो के बैठते हैं। मैं अपनी चाल में कामयाब हो चुकी हूँ। मैंने धक्का मार मार के इस लड़की को उठा दिया और काम पे लगा दिया। मैं जा रही हूँ नहाने, मैंने अपना डस्टिंग वस्टिंग का काम कर लिया है। अब मैं बनाऊंगी नाश्ता और ये लड़की करेगी सफाई, उसके बाद ये नहाएगी, फिर हम करेंगे नाश्ता, फिर देखते हैं आगे दिन में क्या करना है, क्या बनाना है। तनु कैसा लग रहा है? तनु कैसा लग रहा है? बेचारी मस्त सो रही थी, कह रही मम्मी गई है, मम्मी चौकीदार छोड़ गई है एक मेरे ऊपर। तनु चलो फटाफट से काम वाम पे निपटाते हैं, फिर आराम से बैठते हैं। लो जी हमारी मैडम आ गई है बुटीक से वापस, और आते ही भूख 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 ना दीदी नहीं लगी, मजा नहीं आया, सिर्फ इसमें मजा आया। ये आराम से खाओ, कहीं इसके चक्कर में और फिर मुझे कहोगे कि वो बना के खिला गई है और मेरे पेट में दर्द हो गया। हाँ मीठे से नहीं होती, मानते नहीं है ये बात। हाँ नहीं वो चीज वो एक्सेप्ट कर चुकी है कि मेरे को ये चीजें दर्द करती हैं, और इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि इससे मुझे दर्द होता है। मीठे से कहाँ दर्द होता है? वो इतना कितना खाते हो आप? मैं आई हूँ कुछ भी तो नहीं खाते आप, मेरे को तो हैरानगी होती है। मैं तो फिर चलते फिरते, कल भी फ्रिज में चॉकलेट पूरी की पूरी पड़ी थी, मैंने तो तोड़ दी। मंगा ये रखी किसके लिए हुई है? ना मैं खा गई, मेरे को नहीं पता था ना, फ्रिज में पड़ी थी, मैंने खोल ली। तो अब हमारा शाम का प्रोग्राम बन रहा है कि हम क्या बनाएंगे। बनाना बताओ दीदी ना, तो बनाना क्या? मैं वही, मेरे को तो मैं खाली बैठे बैठे पागल हो रही हूँ सुबह से। एक तो आप चले गए, ये सो गई, अब मैं क्या करूँ? मैं कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, बस यही कर रही थी। ऊपर छत पे भी चली गई गाने सुनने, ये वो उसमें वाटर पार्क में गाने चल रहे, चल वही सुन लूं। क्यों ये देखो
और मेरा मेरा हालत देखो, मैं घर पे अकेली होती हूँ, मैं पागल हो जाती हूँ, मैं रोज यही बोलती हूँ क्या करूँ क्या करूँ। हाँ ये अब इवनिंग टाइम में हम लोग नई चीज़ क्या बना रहे हैं, ब्रेड पकौड़े, क्योंकि मैंने बताया ना बाकी चीज़ें लानी पड़ेंगी और मार्केट थोड़ी दूर है, तो वो हम अगर मार्केट गए अभी तो ले आएंगे। हाँ ब्लिंकेट अगले साल आ जाएगा पक्का। तो मैंने बनाए हैं ये ब्रेड पकौड़े और ज़्यादा तो सामान नहीं था अवेलेबल मेरे पास, तो जो था उससे हमने बना दिए, जैसे भी बनेंगे अब। बट ये ना ये जो झाग झाग आ रही है यार, पहली बार देख रही हूँ मैं, क्योंकि मैं सरसों के तेल में नहीं करती ना कुकिंग, रिफाइंड ऑयल होता है हमारा फॉर्च्यून वगैरह का, तो बस मुझे उसी का वो हो रहा है कि झाग क्यों आ रही है। वैसे तो शक्ल तो ठीक ही लग रही है, खाने में भी ठीक होने चाहिए बस। साथ में रखी है तनु ने चाय और बस टी पार्टी हमारी ब्रेड पकौड़ा के साथ। क्यों yes. सब सफा चट, हमारे ब्रेड पकौड़े फिनिश फिनिश हो गए। हैवी हो जाता है एक ब्रेड पकौड़ा काफ़ी। हाँ और वो मैडम फिर लग पड़ी अपने काम पे, इनका चैन नहीं पड़ता, फिर अब बाहर फिर शुरू हो गई, कहाँ गई वो रही। चलो जी कहाँ चले अब, ठीक नहाते धोते हैं फिर चलते हैं। ये मैडम के काम देख लो ज़रा, हेयर ड्रायर से गर्म हवा नहीं आती तो क्या आता है, गर्मी हो गई। हेयर ड्रायर मुंह के आगे रख के और चला रही है, मैं कह रही गर्म हवा आ रही है, बताओ थोड़ी तो ठंडी देता होगा। लोग अब तैयार हो रहे हैं, थोड़ा सा कहीं टहल के आते हैं, घूम के आते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं रात को क्या करना है, क्योंकि कल लास्ट डे है मेरा यहाँ पर, तो जितना हो सके इंजॉय कर लें और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम का वेट करें कि कब मिलेंगे। दिसंबर में छुट्टियाँ होंगी, तुम आओगे ना फिर दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की सर्दी तुम्हें दिखाते हैं फिर, है ना। चलो प्रोग्राम बन गया, देखो बात करते करते मैं अगला भी प्रोग्राम तैयार हो चुका है। चलिए निकलते हैं तो दिखाते हैं आपको कि हम कहाँ कहाँ घूम के आए। चलिए जी तैयार शैयार होके फिर से निकल चुके हैं हम, फिर कुछ दोस्तों ने इनवाइट किया है कि नहीं आओ आओ आओ, और एक आध जगह मार्केट का भी मुझे काम है, तो सब करके अभी बस आते हैं और वही मेरा ट्रैक गाने यार। पीछे हम पहुँच गए, खुद ही घर के मालिकों की तरह घर में घुस रहे हैं, तो यही नहीं ऊपर है मालिक। चलिए एक बार मिलते हैं और मिलाते हैं आपको। हेलो जी, हेलो, कल आए थे, कैसा बढ़िया, कैसे हो? बढ़िया। और तो नहीं आई? हाँ आप आ गए, आ जाए मेरा भाई भी बॉस मंगा गया, उनकी बहन तो है ये, रियल सिस्टर, आपने क्या सोचा? सगी बहन है, सगी शौक लग गया उनको, सगी बहन है। हाँ क्या बात है, आपने क्या सोचा, इतनी देर से दीदी से बात कर रहे हो, आप बतला रहे हो, इतनी देर से, उस दिन बताया नहीं था मैंने, एक दिन पहली बार आप आए थे, दूसरी बार आए हैं, ये यहाँ से खिलाऊंगा या कुछ खाऊंगा। चलिए जी हमारे लिए जो जो सामान आया था हमने सबका भोग लगा लिया है, सबको मुंह लगा लिया है, अब हम चलते हैं और खा लो एक और पापड़। बस 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 मैं है वो एक ब्रेड पकौड़ा, इनसे पूछो मैं कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं खाती, ये फुलावट है सिर्फ, ऐसे होती है फिर हमें देख लो, मेरे से पचाया नहीं जाता फिर। चलो जी मिलते हैं अगले साल फिर से, फिर आएंगे या आप तीनों का फोटो तो खींच दे हमारा, दिल्ली आओ तो तीनों का, दीदी दीदी जल्दी एक बार तीनों का फोटो। घूम फिर के थक हार के घर वापस आ चुके हैं, हालत दोनों की पस्त है, वो भी परेशान मैं भी परेशान, पर मेरी परेशानी अलग है कि मैं थक गई हूँ, उनकी परेशानी घर को लेके है, पानी नहीं आ रहा, पानी की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, अभी कुछ दिन से शायद हो रही है, पहले तो नहीं ऐसा था, अभी दो तीन दिन से पानी का सब जगह पे शॉर्टेज चल रहा था, तो आज हमारे यहाँ पे भी नहीं आ रहा, देखते हैं सुबह सुबह क्या होता है, सुबह आ जाए तो क्रॉस फिंगर्स। तो अब बात करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है और बिल्कुल स्टेमिना नहीं बचा है, तो कल मिलते हैं अच्छे दिन अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ, जो कि मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और जैसे धक्का लगा है ना इनकी मेहरबानी से थोड़ा और ज़बरदस्त धक्का दे दो, 100 पूरे करने हैं 5 तारीख से पहले, मेरा बर्थडे गिफ्ट आप लोगों को देना है मुझे, ठीक है, बाय।